वर्षव्यापी अनुषित लचित बरफुकन चारिशतम जयंती समारोह जयंती समारोह आज समारोह उद्यापनी कार्यक्रम को संबोधन कर प्रधानमंत्री। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जज्जावातों को सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी ऊर्जा और उसी सांस्कृतिक गर्व के साथ जीवंत है, अमरत्व के साथ जीवंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए, भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले, आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लचित बरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्थाओं, परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं। अहोम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है।